एक अच्छा माहौल था, पूरे भिवंडी की जनता मेरे रैली में थी। जो दो बार उन्होंने आशीर्वाद दिया, इस बार भी जोर से, आपने देखा होगा रैलियों में हज़ारों की संख्या में लोग आए थे और वो आशीर्वाद देने आए थे। और मुझे ये माहौल देख के ऐसा लगता है क्या उनका आशीर्वाद कामयाब होगा और मैं भी कामयाब हो जाऊँगा। और मैं इस बार जो दो बार उन्होंने आशा दे, तीसरी बार भी मैं चुन के आऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं जी आपके चेहरे की लाली बता रही है कि आप हैट्रिक मार चुके हैं, आपके चेहरे की लाली बता रही है कि गुलाल बता रहे हैं कि चोगले आ गया भरो, हम तुम्हारे साथ हैं, चोगले आ गया भरो, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरी जनता मेरे साथ है। तो मुझे लग ऐसे लाली आएगी आएगी, लेकिन टाइम बहुत है, क्या होएगा पता नहीं। लेकिन जो मैंने विकास किया है, जो काम किया है, जनता से जैसा मेरा व्यवहार रहा, एक दोस्त जैसा, एक भाई जैसा, एक माता जैसा या बहन जैसा, मैंने सबको माना है और उनके जितने काम हो सके मैंने किए हैं। तो वो बेस पे ऐसा मुझे ये लाली आनी ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और जीत हमारी पक्की है ये भी लगता है। और आपकी जो रैली है उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखा गया कि लड़की बहनों ने बहुत ही ज़्यादा चढ़ कर हिस्सा लिया है आपकी जिस रैली में। तो सरकार ने जो योजना बने उसमें और मेरा वोट बढ़ जाएगा और जीत तो और उससे शानदार हो जाएगी। तो माइनॉरिटी के लोग भी इसमें बहुत सारे धक्के में शामिल थे आपके साथ में। माइनॉरिटी के लोग मेरे 25 साल से मेरे थे, तो तभी से मेरे माइनॉरिटी के लोग मेरे साथ हैं। आपकी सीधी लड़ाई किस पार्टी की? विलास पाटिल से।